हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख पा रहे हो टॉपिक यहाँ पे, क्रेज़ फॉर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। नीडी कस्टमर्स नॉट गेटिंग क्रेडिट कार्ड, बट हु डोंट वांट इट दे आर गेटिंग इजीली। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया एंड पॉलिसीज की वजह से। सो ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स बहुत परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ये कुछ थोड़ी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लाइक आज ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसा कि मेरे ब्रांच में हुआ। आज एक कस्टमर थी, लेडी कस्टमर, वो ब्रांच में आई एंड वो न्यू टू बैंक थी, यानी कि उनका अकाउंट नहीं था बैंक, एंड उनको क्रेडिट कार्ड अर्जेंटली चाहिए था। अब अर्जेंटली चाहिए था तो उनके हिसाब से बैंक इतना भी प्रॉपर काम नहीं कर सकती ना। अब मुझे बाकी बैंक्स का तो पता नहीं है, लेकिन अभी वो लेडीज़ को लिटरली क्रेडिट कार्ड चाहिए था। और वो लेडी थोड़ी ओवर स्मार्ट भी थी, बोल सकते हो आप ओवर स्मार्ट थी, या फिर उनको पता था कि क्या कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, या फिर शायद इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी जिससे कुछ ना कुछ काम उनका हो जाए जल्दी। तो जो न्यू टू बैंक होते हैं ना, उनका थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रहेगा, लाइक एक महीना डेढ़ महीना कभी कभी लग जाता है, और अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो 15 से 20 दिन हो जाता है। उनका क्या है कि उनको कुछ 2-3 दिन के अंदर या फिर 4 से 5 दिन के अंदर उनका क्रेडिट कार्ड चाहिए था। अब उनके अकॉर्डिंग तो बैंक वर्क नहीं कर सकती ना, उनको भी थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। या तो रुक जाइए या तो फिर कुछ और कीजिए। अगर सारा क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो उसमें, इनसे उनसे बात कर भी करके भी क्या कर सकते हो? सो एक्चुअली बहुत बहुत परेशान करने वाली कस्टमर थी। क्या बोलूँ मैं अभी, लाइक उनका ये इशू था ना कि उनके पास पहले भी क्रेडिट कार्ड था HDFC बैंक का, बहुत पहले, कुछ 2-3 साल पहले वो यूज़ कर रहे थे, और उनका डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड जो था वो एक्सपायर हो गया। देन वो कार्ड डिलीवर हुआ, लेकिन शायद वो एड्रेस पे नहीं थे इसलिए वापस रिटर्न हो गया, और उन्होंने 6 महीने तक क्रेडिट कार्ड वापस से ना कुछ पूछा, कुछ भी नहीं यूज़ नहीं किया, ना ही उसकी कोई खोज खबर ली, तो वो डीएक्टिवेट हो गया। देन अब इसमें क्या कर सकते हैं कोई कस्टमर, इसमें क्या कर सकते हैं अगर उनका कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है तो? सो अगर उनका कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, फिर भी वो अपने नए कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, नॉट नए कार्ड को, अपने एग्जिस्टिंग कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट इट मीन्स उन्हें वापस से रीइशू किया जाएगा, वो रीएक्टिवेट करके रीइशू किया जाएगा। जो भी उनका कार्ड था वही कार्ड नंबर रहेगा, वही लिमिट रहेगी। इसमें आपको करना ये होगा कि आपको कस्टमर सर्विस में कॉल करना है, इसमें डायरेक्ट नंबर पे जो है 0226160618, इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा एंड अपना इशू बताना है कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास पहले क्रेडिट कार्ड था और अभी मुझे फॉर्म के थ्रू नहीं जाना है, नया कार्ड नहीं चाहिए मुझे, मेरा एग्जिस्टिंग कार्ड ही चाहिए। तो फिर वो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, उस लेटर पे मेंशन करना पड़ेगा, और उस लेटर के साथ साथ आपको एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो भी एड्रेस आपका वहाँ पे मेंशन था उस टाइम पे जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर किया जाता था। तो ठीक है, ये थोड़ा इजी सा प्रोसेस है, ये लेटर लिखने के बाद में एंड एक एड्रेस प्रूफ देने के बाद में आपको वो ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है, फिर 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा आपको। लेकिन उनका ये भी नहीं किया जा सकता था, इतनी प्रॉब्लम मैंने पहली बार देखी। सो उनके साथ ये भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनका जो एड्रेस था ना वो चेंज हो गया था। सो जो कस्टमर, बैंक के कस्टमर होते हैं ना, उनका अगर एड्रेस चेंज हो गया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बायोमेट्रिक कर लेते हैं एड्रेस चेंज का फॉर्म भर के, तो फिर हो जाता है सडन, बिकॉज़ उनका जो एड्रेस अभी वहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई प्रूफ वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कस्टमर न्यू टू बैंक है, उनका अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उनको एड्रेस प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एड्रेस चेंज के साथ साथ। सो एड्रेस चेंज के साथ साथ प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ठीक है, अगर उनका आधार कार्ड का एड्रेस और जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं वो एड्रेस सेम होता है, या फिर और भी कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी एड्रेस उनका सेम होता तो भी यहाँ पे हो जाता एड्रेस चेंज का फॉर्म, और जहाँ पे वो रह रहे उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी से मैच करता तो भी उनका हो जाता। लेकिन ये भी नहीं था उनका, उनका क्या था ना कि वो भाड़े के रूम से रह रहे थे, रेंटेड हाउस में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और ऊपर से न्यू टू बैंक थे,
तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं कर सकते। इस केस में क्या होता है, वो रेंट पे रह रहे तो रेंट अग्रीमेंट होता है, और रेंट अग्रीमेंट जो न्यू टू बैंक होते हैं उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ये क्रेडिट कार्ड के लिए। सो ये भी चला गया। अब क्या बचता है, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मेरे को फॉर्म दे दो, मैं फॉर्म बेस पे कर देती हूँ। लेकिन अगर फॉर्म बेस पे किया तो भी तो यही इशू होगा ना, फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के लिए भी तो आपको एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, और एड्रेस प्रूफ में तो आपका कहीं और का ही एड्रेस है, नासिक का है, पुणे का है, कहीं और का एड्रेस है, एंड आप मुंबई में रह रहे हो तो फिर कैसे होगा आपका, मुंबई में आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो। सो इतनी सी बात किसी किसी कस्टमर को समझ नहीं आती है। आई डोंट नो इसमें मैं क्या बोलूँ, कस्टमर की गलती थी या बैंक को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ आई थिंक बैंक को भी इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन कस्टमर्स को भी थोड़ा समझ के लेना चाहिए। और नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती कि कस्टमर थोड़ी कैसी थी वैसी थी, ठीक था, लेकिन थोड़ा तो उनको भी लेना चाहिए था समझ के। और क्या इशू होता है कि इनकेस अगर आई डोंट नो उनको बीच में कोई कॉल आया था कि क्या हुआ था, मैंने जैसे मैंने मेरी सीनियर से बात की, उनको कार्ड अप्लाई करना था, ये सडन कार्ड अप्लाई करना था। हाँ बोलो। हाँ आपको कोई मैसेज वगैरह आया है रेफरेंस नंबर का? ठीक है, तो आपका फॉर्म ऑलरेडी जा चुका है, कभी कभी टाइम लगता है फॉर्म बेस पे करते हैं ना, तो वेरिफिकेशन के लिए कोई आए थे क्या आपके घर पे? घर पे ऑफिस पे आपके ऑफिस वगैरह पे कोई आए थे वेरिफिकेशन के लिए?